50,000 रुपए जल्दी से भेज दो, वरना तुम्हारे भाई की खबर नहीं है। सर पुलिस जा रही है तुम्हारे घर पे। सर हमारे पास 1 रुपया भी नहीं साहब, हमारी भाई की कोई गलती नहीं। सर क्या गलती नहीं है, अपने भाई से पूछो तुम्हारे भाई ने क्या कांड किया है। सर वो कितना बड़ा जुर्म किया है, इसने कितना बड़ा जुर्म किया है। सर वो तो रो रहा बता रहा सर, बोल रहा कि हम भाई हमारी कोई गलती नहीं सर, हमको फंसाया जा रहा है और उधर से ही कॉल आया था और चीटिंग पे बात हुई, चैटिंग पे बात हुई है और लव यू सब यू भेज रही थी तो ये भी कुछ थोड़ा बहुत फिसल गया। क्या इससे पूछो, पहले कायदे से पूछो इसने क्या गलती की है। इसने लड़की के साथ जो हरकत की है उसके इसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। बता इसको कितना बड़ा जुर्म किया इसने किसी लड़की के साथ। सले रो रहा था सर, एक बोल रहा हमने कुछ नहीं किया, हमको फंसाया जा रहा है और हमारी कोई गलती नहीं, ये बोल रहा था। हमारे व्हाट्सएप पे पहले चैटिंग हुई है, फिर उसने बोला लव यू भी, वो फिर नंबर मांगा है तो ये नंबर दे दिया, फिर वीडियो कॉलिंग उसने किया, फिर उसने उल्टा सीधी हरकतें की हैं, उठ पटांगी हरकतें वही नहीं कर रही थी। फिर हमारे भाई की भी थोड़ा बहुत लो गलती है, मानता हूँ सर, पर माफ़ कर दीजिए। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी फोर्स तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगी, मामला मैंने केस मैंने रोक के रखा है, ठीक है। अभी अभी पूरा मीडिया में चला जाएगा, फोर्स तुम्हारे घर पे जाएगी, तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई के लिए भलाई के लिए कह रहा हूँ। सर मेरा सर मेरा भाई मासूम सा मेरा भाई है सर, उसको कुछ भी नहीं पता है सर, उसने उसकी कोई गलती नहीं है साहब। इसने लड़की के साथ जो वीडियो कॉल पे जो हरकतें की हैं ये एक तरीके से बहुत बड़ा जुर्म है और इसके लिए इसको सजा ही मिल सकती है, क्योंकि लड़की की इज्जत उछालने की इसने कोशिश की है। सर मेरा भाई, मेरी बात सुनिए सर, मेरा भाई बोल रहा था कि उसने व्हाट्सएप पे चैटिंग की है, लिख लिख के भेजा था कि बाबू लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो इसने उसने नंबर दी, बोला कि नंबर दो हमको, तो इसने नंबर भेज दिया, फिर वीडियो कॉलिंग उसने ही मिलाया था, लड़की ही नहीं मिलाया था, ऐसी कोई गलती नहीं है। मासूम सा मेरा भाई बेकसूर है साहब। देखो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अगर तुमको केस चालू करवाना है तो 50,000 रुपये भेज दो, ठीक है। साहब मेरी आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, माफ़ कर दो, छोड़ दो साहब, ये केस मत आगे बढ़ाओ। ये केस बहुत बुरी तरीके से फैल जाएगा, अभी मैंने रोक के रखा है, पता है तुमको कुछ साहब। मेरे 50,000 रुपये जल्दी से भेज दो, सुनो वरना बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी तुमको। अभी मैं मेरी फोर्स जा रही है पूरी घर पे साहब, बहुत रो रहा है साहब, साहब बहुत रो रहा है, बोल रहा है कि मत साहब से बात करिए, और फोन पुलिस से फोन आ रहा है, और हमको ये हमारा छोटा भाई है बहुत डर गया है साहब, माफ़ कर दो, ये आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। हेलो हाँ साहब, मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपये भेज रहा हूँ कि मैं मामला आगे बढ़ाऊँ, फोर्स जाए तुम्हारे घर पे। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, हम अरे गरीब आदमी हो तो इसके लिए कितना बड़ा सजा होगा पता है। तो साहब 10 साल की सजा होगी साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं देखो मैं ऑनलाइन तुम्हें पेमेंट भेज दो साहब, ये जानने की तुमको जरूरत नहीं है। साहब मैं सोचता हूँ साहब, वहीं पे पैसे थाने को लेके चला हूँ, पैसे वहीं पे दे दूंगा, वहीं पे वीडियो डील करवा लूंगा। थाने आने की तुमको क्या जरूरत है, यहाँ पे सभी अधिकारियों को सभी ऑफिसर को पता चल जाएगा तो सबको पैसा देना पड़ेगा, सबका मुंह बंद करना पड़ेगा, पता है तुम्हें। साहब तो हम साहब अकेले में बात तुमसे 3 लाख रुपया सुन 3 लाख रुपए लेके आया थाने आएगा, सबको सबका मुंह बंद करना पड़ेगा साहब, ऊपर सबको देना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ साहब, हम अभी केस मेरे हाथ में है, मैं मेरे अंडर में है, मैं देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ साहब तुमको हम चुपके से वहीं से बुला लेंगे, वहीं आपको पैसा दे दूंगा और तुम वीडियो डिलीट कर देना, बस हम कोई बात नहीं आगे बढ़ाएंगे साहब। नहीं ये चुपके से काम नहीं हो पाएगा सर, तुम बताओ 50,000 रुपये भेज रहे हो या फिर क्या करना है। सर तो हम ऑनलाइन चलाते नहीं साहब, हमको पता ही नहीं कैसे भेजना है, कैसे क्या करना, हमको इतना नहीं पता, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। देखो मैं तुमको अभी आखिरी बार हिदायत दे रहा हूँ, क्या चाहते हो एक बार बता दो, हाँ या ना, पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। साहब बिल्कुल भी है, वीडियो मत उछालना साहब, नहीं वरना बहुत दिक्कत है। अभी तुम्हारे घर में फोर्स जाएगी, इसने क्या किया है साहब लड़की के साथ, लड़की वो खुद दिखाकर वो खुद वीडियो बना लिया है साहब, उसमें इसकी कोई गलती नहीं, तो बेकसूर है, मासूम सा हमारा भाई है, देखिए कितना भोला लग रहा है देखने में साहब। अरे सुन नाटक मत बता मुझे, ठीक है, कौन शकल से भोला है सब मैं जानता हूँ कितना भोला है। सर लड़की ही ने कॉल करके वो भी वीडियो कॉलिंग करके उसने ही वीडियो बनाया साहब।
अरे तो ये लड़की के चक्कर में क्यों पड़ा? वो बोल रही है कि पैसे नहीं भेजोगे तो हम वायरल कर देंगे वीडियो। वीडियो देखो मीडिया में चली जाएगी साहब, आपके आगे चली जाएगी तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, ऐसा मत करना साहब। आप लोगों की तो कर्तव्य बनता है कि आप लोग पुलिस वाले हैं साहब, तो और हर आदमी की सहायता करें, गरीब आदमी की हेल्प करें साहब। तुम भी रिश्वत मांग रहे हो साहब। अरे इसकी गलती है, अभी पूरा केस बन चुका है पता है, वो लड़की ने पूरा FIR करवाया है। साहब मानता हूँ थोड़ी सी गलती इसकी भी है, पर आप लोग तो साहब सबकी सहायता करते हैं, पुलिस वाले हैं साहब, तो इसकी भी मदद कर दीजिए, हमारे लोग भी मदद कर दीजिए, नहीं वरना हम भी लोग जेल चले जाएंगे साहब। सुन मैं तेरे को आखिरी बार बता रहा हूँ, तू 50,000 नहीं दे सकता है तो तू 30,000 रुपये भेज दे, ठीक है? ये आखिरी बार मैं तुमको बता रहा हूँ, 30,000 रुपये बताओ भेज दोगे या फिर मैं मैटर आगे बढ़ाऊँ? साहब बिल्कुल भी मैटर बिल्कुल आगे नहीं मत बढ़ाना साहब, आप जहाँ बोलेंगे तहाँ हम पैसे लेके आ जाएंगे साहब, बता दीजिए। तुझे ऑनलाइन करना पड़ेगा, मैं गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर जैसे दे दूंगा सर, मैं डलवा दे किसी दुकान से जाके डलवा दे। सर आप बोलिए कहाँ से आप बात कर रहे हैं ये तो बताइए, तो हम भी तो जाने आपकी कहाँ से रिपोर्ट हुई है, वो कहाँ लड़की रहती है, हम भी तो जाने साहब। अरे सुन तू ये सब मत जान, ठीक है? क्या करेगा जान के? अब साहब हम 30,000 रुपये देंगे आपको तो हमको हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जाने की कौन से जिले से रिपोर्ट लिखाई गई है, कौन से जिले का थाना लगता है, ये था हम भी तो जानना चाहते हैं। तो कहाँ रहता है? सहारनपुर में है ना तेरा घर? जी जी साहब हमारा सहारनपुर में घर है। हाँ तो लखनऊ में है, लखनऊ मेन ब्रांच। तो सर हम वहीं हम आ जाएंगे, वहीं हम पैसे लेके आ जाएंगे, वहीं पे हम आपको दे देंगे, वो आप वीडियो वहीं पे हटा देना। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आओगे 3,00,000 रुपये लेके आ जा, चला जा। अब सर साल करवाने के लिए 3,00,000 रुपये लेके आ जाए तेरे पास? सर आप कैसी बात करें साहब, तुम तो हम गरीबों की सुनते ही नहीं हो सर, आपकी तो कर्तव्य बनता है कि गरीबों की हेल्प करें। अरे देख तू बहुत टाइम हमारे बर्बाद कर दिया, पांडे जी फाइल आगे बढ़ाइए, नाटक कर रहा है। जी सर आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। देख ऐसा काम नहीं हो पाएगा, तो पैसा 30,000 रुपये मैंने बोल दिया आखिरी, अभी फिर से दिक्कत हो जाएगी तेरे लिए। तो सर बताइए तो कहाँ आना है बताइए, तो हम वहीं आ जाएंगे, हम लखनऊ चले आएंगे। आने की तेरी जरूरत नहीं है, 3,00,000 रुपये का जा लेके। तो सर ऑनलाइन हम 1 रुपया भी नहीं पे करा पाएंगे, जो करना है तुम कर लो, या आगे फाइल बढ़ाओ या कुछ करो, हम 1 रुपया भी देंगे तुम्हारे हाथ में देंगे, पर हम ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे। तेरा भाई अब जेल की चक्की पीछे का नंबर आ गया है बेटा, समझा तू? कुछ नहीं होगा मेरे भाई की, ठीक है? उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लड़की ने ही चीटिंग की है, फिर चैटिंग करके फिर नंबर मांगा हमारे भाई से, ठीक है? उसने ही वीडियो बनाया है, वीडियो बनाकर फिर बोल रही है। बड़ी अकल से बात कर रहा है, देखिए देख जो तू कर रहा ना वो हम बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं, ठीक है? क्या वो हमको पता है जो लोग तुम करते हो ना, वो हमको पता तुम लोग फ्रॉड करते हो, खुद वीडियो बना लेते हो लड़कियों के, मतलब बताते हो कि ये देखिए वो देखिए, ऊट पटांगे हरकते दिखा कर वो फिर मासूम से लड़कों का वीडियो बना लेते हो। पंडित जी केस आगे बढ़ाइए, इसको इसको अरेस्ट करके लो। अरे जा तू केस आगे बढ़ा या कुछ भी कर ले, पर तुझको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर मैं और मेरा भाई और मैं तेरी वीडियो बना रहा हूँ, तेरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तेरा नंबर। सुन सोशल मीडिया पे तू कोई पुलिस नहीं है, तू नकली पुलिस के नाम पर तू ठग रहा है, लोगों से ठग लेता है, ठीक है? अब हमको पता चल गया है, तुझको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। सुन अबे साले तू जान गया है तो वीडियो कहीं डालना मत, अभी देखना समझा? अभी देखना सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो जाएगी, जहाँ फेसबुक पे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे हर कहीं भी तू ये वीडियो पाएगा। साले कहीं तो वीडियो डाल मत देना वरना तेरी खैर नहीं, समझ ले? अरे चल चल, अब तेरी वीडियो बन चुकी है, अब हमारे जितने भी भाई हैं सब सतर्क हो जाएंगे, और जो लड़कियों का फोटो जो तुम लोग करते हो ना लड़कियों के, देखिए दोस्तों फोन काट दिया इसने, फोन कट गया। अब क्या होता है ये लोग क्या करते हैं, लड़कियों की मतलब वीडियो फोटो गंदी दिखाकर, और जो मासूम से लड़के होते हैं उनको पता नहीं होता है, वो भी निकल जाते हैं, वो भी वीडियो कॉलिंग करने लगते हैं, फिर क्या होता है उधर से रिकॉर्डिंग कर लेती हैं लड़कियाँ, और फिर एक उनका दलाल होता है, फिर उसके पास दे देती हैं वीडियो, तुम्हारे फेसबुक पे भेज देंगी, बोलेंगी हम अपलोडिंग करने जा रहा हूँ, या फिर 30,000 रुपये दो या फिर 50,000 रुपये दो, वो इसी प्रकार से हजारों रुपये लाखों रुपये लोगों से लूटती हैं, ठीक है? तो दोस्तों इस
हम जो आप लोगों को बता रहे हैं इस फ्रॉड से आप लोग सावधान हो जाइए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे जितने भी भाई भाई हैं उनको पता नहीं है, हाँ वो भी पता चले कि हाँ बिल्कुल भी ये भाई हमारा सही बोल रहा है, क्योंकि इसने कोई भी गलती नहीं किया है, क्योंकि एक थोड़ी बहुत गलती मान लो वो हो जाती है, पर इसकी कोई गलती नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें ताकि हर वीडियो जगह जगह पर फैल जाए जानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये ना भूलना कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।